एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, कल की वीडियो आप लोगों ने देखी थी, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने लंच तो कर लिया था और डिनर में हम लोगों ने बनाई है बिरयानी, क्योंकि सिर्फ डिनर करना था तो हम लोगों ने थोड़ी सी बिरयानी बनाई है। अभी हम लोग जो है डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है ना देखते हैं क्या आगे क्या करते हैं। सो गाइस, डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और यहाँ पर हम लोगों का मूड हो रहा है ब्लैक कॉफ़ी पीने का। तो भाई बना रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी, मैंने भी उनको कह दिया कि हाफ कप मैं भी पीऊँगी। तो अभी जो है ना यहाँ पर कॉफ़ी बन रही है। ये दिखाती हूँ एलोवेरा जेल, जो कि मैंने आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे घर में पौधे जो है ना वो काफ़ी अच्छे ग्रो करे, और हमारा एलोवेरा भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सारे का सारा ग्रीन था, नहीं तो येलो होता है या फिर ब्राउन होता है हमारे घर में जो एलोवेरा उगता है, लेकिन इस बार वाला बहुत ग्रीन था तो हम लोगों ने उसका बना लिया एलोवेरा जेल। और अभी इसको जो है ना उसको हम लोगों ने निकाल के फ्रीज़ कर लिया है, तो जब भी हम लोगों को चाहिए होगा तो हमारे पास नेचुरल एलोवेरा जेल जो है ना वो मौजूद होगा। एलोवेरा का जब आप जेल बना रहे हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आप काटोगे एलोवेरा तो उसके साइड्स आपने काट देनी है, क्योंकि वो जो होते हैं वो जहर होते हैं, केमिकल होते हैं और काफ़ी डेंजरस होते हैं, तो उसका जो बीच वाला वाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है सिर्फ आपने उसको यूज़ करना है। तो ये हमारी कॉफ़ी भी बन चुकी है। तो गाइस, हम लोग आज कर रहे हैं कॉफ़ी पीने का एक्सपीरियंस और हम लोगों ने ब्लैक कॉफ़ी बना ली है और हम लोग जो है ना ये एक सिप ले चुका था। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर ना, तो अभी हम लोग आपको देंगे कि ब्लैक कॉफ़ी कैसी लगती है। हम लोगों ने डाइटिंग स्टार्ट किया, सब पियो और बताओ कि कैसा कैसा रिव्यू है। सो गाइज, अब हम पीकर बताते हैं और इसका रिव्यू देते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी देसी फैमिलीज में कैसी लगती है। हम लोग डाइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और सब इसको पी के ना आपको रिव्यू देते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी कैसी, मतलब आप पी सकते हो कि नहीं पी सकते। ये जी कॉफ़ी, ये हम लोगों ने बना ली है। अब इसका टेस्ट पी के हम बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। मैं आपको रिव्यू देती हूँ और यकीन करें सच रिव्यू दूंगी, जो होगा वैसे ही बताऊंगी। ठीक है मम्मा, यकीन करिए। 3, 2, 1 पी ले। ये है मेरी ब्लैक कॉफी। ये है मेरी ब्लैक कॉफी, ये है इसकी ब्लैक कॉफी और मामा ट्राई कर रही हैं और बता के। ये तुम किस तरह लग रहा है कि जैसे साफी को ना गर्म पानी में डाल के मैं पी लूं। चलो ठीक हो गया, साफी बना दिया मम्मा ने ब्लैक कॉफी को, अब आप पियो जरा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आजकल डाइट पे हैं, तो हमने कल अलफते से नेस्कैफे ओरिजिनल एक्स्ट्रा फोर्ट का इंतखाब किया ताकि हम लोग स्मार्ट हो सकें। इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन हमने ब्लैक कॉफ़ी का प्रयोग किया और अब इसको मुंह पे लगा के ख़त्म करेंगे। ये इसको दूध में डाल, ज़्यादा सलालत नहीं हो रही है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम के किस तरह का टेस्ट है और फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो लेट मी चेक द टेस्ट। इवन मुझे तो सजा मिल गई है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, पनिश मिल गई है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई एक दर्जन सिगरेट की डब्बियों को पानी में डाल के एक उसका शेक बना के आप पी रहे हो और वैसे ही टेस्ट है। तो मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप लोग चाहो तो दूध में बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड पेंडू। अब मैं बताती हूँ मैं पी के कि इसका टेस्ट कैसा है, सही वाला रिव्यू। ऐसा था गाइस, जैसे आप गरम सत्तू पी रहे हो, बिल्कुल वो वाला टेस्ट है, इंतहाई घटिया, नॉट रिकमेंडेड। डाइटिंग यहाँ पर ख़त्म होती है, आप जिम ज्वाइन कर लो मेरी तरफ से। अच्छा गाइस, इसके एक दो सिप लेने के बाद मुझे पता चला कि सूंघने में ये सिगरेट है और पीने में गर्म सत्तू। नॉर्मली घर में हॉट कॉफ़ी हो, कोल्ड कॉफ़ी हो, मिल्क वाली यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये जो है ना ब्लैक कॉफ़ी यूज़ की थी और बहुत ही मतलब फजूल टेस्ट था। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो डाइटिंग करना तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, आप इसे जो है ना यूज़ कर सकते हो। डाइट्स फन एंड अभी हो चुकी है सुबह और मामा गई हुई है नानों के घर। हम लोगों ने बनाया अपने ब्रेकफास्ट खुद और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया अंडा पराठा, साथ में चाय, साथ में शामी भी थी, वो हम लोगों ने बाद में खा ली थी। यहाँ पर अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूँ और हो चुका है लंच टाइम, क्योंकि मैं सुबह से जो है ना फ़ोन यूज़ कर रही थी, बोर हो रही थी, कोई काम नहीं था करने के लिए। और अभी जो है मुझे लग रही है भूख और मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए लंच, और लंच मैं बनाऊंगी नूडल्स, क्योंकि मामा घर पर नहीं है तो नूडल्स ही बना सकती हूँ मैं। अभी जो है ना नूडल्स रखते हैं।
एंड जिन लोगों ने एमफिल में एडमिशन लेना है उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एलसी के एडमिशन जो हैं एमफिल के वो खुल चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल चाहिए कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, पूरी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए पूरी वीडियो भी बना सकती हूँ। और कुछ कमेंट्स मुझे और आ रहे थे ICS डिपार्टमेंट और भी काफ़ी लोगों ने जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, तो ये भी मैं जब यूनिवर्सिटी जाऊँगी मंडे को, मैंने जाना है NOC लेने, तो मैं तब आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ ना अच्छा सा खाऊं, तो नूडल्स के साथ मैं बना रही हूँ फ्राइज़, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाऊंगी और बहुत मज़े का इनका कॉम्बो होता है। वैसे तो नूडल्स के साथ आप लेज या फिर कुरकुरे वगैरह खाओ तो वो भी बहुत मज़े का कॉम्बो होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे स्नैक्स हुए हैं ख़त्म और घर में जो है ना भाई मामा को लेने गए हुए हैं, घर में अभी कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि फ्राइज़ ही बना लेते हैं, तो अभी यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट के फ़ेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो उसमें। तो अभी जो है ना आप लोग एमफिल वाले स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं एलसी में, PhD वगैरह के भी एडमिशन जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। एंड एलसी के फॉर्म सबमिशन की डेट स्टार्ट हुई थी 9 सितंबर से और एंड हो रही है वो 18 सितंबर, तो कुछ ही डेज रह गए हैं और जिन लोगों ने एडमिशन लेने हैं वो फटाफट से एडमिशन ले लें। वैसे प्लान तो मेरा भी एडमिशन लेने का, लेकिन अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया। और एलसी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये भी है कि आप यूनिवर्सिटी जाके जो ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हो और हमारा जो है वहीं से भी हो जाएगा। खैर अभी जो है ना मैं देखती हूँ कि अभी मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने लेना है तो जल्दी से करें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। एंड अगर आप लोगों में से कोई जॉब करते हैं और उसे एडमिशन लेना है तो उन लोगों को बनवाना पड़ना है अपना NOC, ठीक है। इसके अलावा जो किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग पूरे करके रखें ताकि जो है ना आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इन सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है और जो एडमिशन की डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो यहाँ पर मेरा पानी भी बॉयल हो रहा है मेरी नूडल्स के लिए और साथ साथ जो है ना मैंने ऑयल जो है वो प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसमें डालूँगी फ्राइज़। यहाँ पर मेरी फ्राइज़ बनेंगी एक तरफ और एक तरफ बनेगी मेरी नूडल्स। दिल कर रहा था मेरा टैकोस बनाने का, लेकिन टैकोस के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था और राइस फ्लोर जो है ना मेरे पास पड़ा नहीं हुआ था, तो मुझे खुद घर में राइस फ्लोर बनाना पड़ना था, तो वो लंबा काम था सो मैंने नहीं किया। तो मैंने जो है ना फटाफट से कोई शॉर्टकट ढूंढा है। मामा के बगैर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। खैर मामा अभी आ चुकी हैं और अभी अभी मामा घर पर आई हैं और मैं यहाँ पर जो है अपना लंच जब बनाने शुरू हो चुकी हूँ, तो खैर अभी जो है ना ये खाना शाना खाते हैं उसके बाद जो है ना मामा के पास जाते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी सुबह से। अच्छा मेरा फेवरेट ब्रांड जो है ना नूडल्स में वो इंडोमिनी, आप लोगों ने देखा होगा मैं जब भी नूडल्स बनाती हूँ अब इंडोमिनी बनाती हूँ, क्योंकि पहले पूरा बचपन मैंने खाई है नोर की नूडल्स और अब मुझे ना इतना उनका कोई शौक नहीं रहा, सो इंडोमिनी मुझे अब अच्छी लगती है। बाकी पिछले दिनों काफ़ी मतलब अच्छा मौसम था, हर एक दो दिन बाद जो है ना बारिश होती थी, बल्कि रोज़ रोज़ ही बारिश होती थी और बारिश ना भी हो तो मौसम ठीक था, लेकिन अब दोबारा से वही वाली गर्मी शुरू हो गई है जो जून जुलाई में होती थी, शदीद किस्म की गर्मी है। तो अभी सुबह से हम लोग जो है ना कोई काम शाम नहीं कर रहे थे, भाई ने खा ली थी बिरयानी और मैंने बिरयानी नहीं खाई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, सो अभी मैंने बनाई है यहाँ पर नूडल्स। और अभी मैं लंच कर रही हूँ 6:30 बल्कि 7:45, क्योंकि मामा ने सुबह कहा था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी और मामा गई थी 11:30 और अभी बज रहे हैं 7, तो आप लोग खुद सोच लेंगे मामा पूरे 6 घंटे वहाँ थी, तो अभी जो है ना मामा काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब तो खाना खा ही लेना चाहिए क्योंकि कुछ देर मैं और वेट करती तो डिनर का टाइम होना था। खैर अभी भी डिनर का ही टाइम है लेकिन हमारा ये लंच टाइम है सो मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ। एंड आज वीडियो भी इसलिए लेट हो गई है क्योंकि मैं मामा का वेट कर रही थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ करने का, सो वीडियो शूट भी नहीं हो पाई और ना ही वीडियो एडिट हो पाई है टाइम पर, इस वजह से ना थोड़ा सा आज लेट हो गया, सो उसके लिए माजरत। और अभी जो है ना खाना शाना खा के मामा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद डिनर वगैरह बनाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग वॉकशॉप करने। इंडोमिनी का ना ये मसला है, वैसे टेस्ट तो इसका अच्छा है लेकिन ये बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा नहीं लाइक एज़ कम्पेयर टू बाकी नूडल्स जो 2 मिनट्स में रेडी हो जाती हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं। आप लोगों को तो पता है मेरे अंदर पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फ्राइज़ मेरी बन चुकी हैं, इनको मैं निकालूंगी और उसके बाद जो है ना इनको मैं ड्राई कर लूँगी टिश्यू के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी खाना मैं खा रही हूँ, एक तो नूडल्स भी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए और दूसरा ये फ्राइज़ भी इतना ऑयल होता है इनके अंदर,
तो थोड़ा बहुत जो है ना हम लोगों को केयर करनी चाहिए। और इसको अच्छे से जो है ना इसका ऑयल मैं ड्राई कर लूँगी, क्योंकि ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन चुकी है, इनका जो है ना पहले अच्छे से इसको ड्राई करूँगी ऐसे, उसके बाद जो है टिश्यू से इसको मज़ीद ड्राई करूँगी और फिर इसको मैं करूँगी अपने नूडल्स के ऊपर स्प्रिंकल और फिर मैं करूँगी अपना मील इंजॉय। एंड मुझे लगी है काफ़ी ज़ोर की भूख, तो अभी मेरे से वेट नहीं हो रहा, अभी सिर्फ मेरी नूडल्स रह गए हैं, सारा कुछ बाकी हो गया मेरा। एंड ऐसा नहीं है सुबह से मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैंने काफ़ी काम किए हैं, बर्तन भी मैंने 2 या 3 दफ़ा धो लिए हैं सुबह से, तो अभी मैं थक चुकी हूँ, तो अभी खाना शाना खा के मैं फिर से करूँगी रेस्ट थोड़ा सा और मज़ीद फ़ोन वगैरह यूज़ करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो इसको मैंने ड्राई कर लिया, और यहाँ पर अपनी नूडल्स को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग और ड्राई कर लेंगे बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा सूपी नूडल्स नहीं पसंद, नहीं तो जो नूडल्स होती है ना वो थोड़ी सी मतलब टेस्टलेस रह जाती हैं और सारा जो मज़ा होता है ना वो इनके सूप में रह जाता है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करूँगी, और अभी जो है ना मैं इसको छोड़ गई थी ड्राई होने के लिए बगैर कवर के, और जब मैंने आके देखा तो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गई थी और थोड़ी सी जल भी गई थी, खैर जली नहीं थी लेकिन फुल ड्राई हो गई थी। सो अभी जो है फ्लेम ऑफ़ करेंगे और नूडल्स को डिश आउट करेंगे और खाना शाना खाते हैं। अब नमाज़ मैंने मगरिब की भी पढ़ ली है, तो अभी जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अभी से मैंने वीडियो शेडियो एडिट करनी है खाना शाना खाने के बाद, क्योंकि अभी तक जो है ना मेरा काम शाम ख़त्म नहीं हुए। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो से मुझे दो इजाज़त, इसके ऊपर मैं करूँगी पोटैटोस स्प्रिंकल और इसको जो है ना मैं फटाफट से खा लूँगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जॉइन डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो, कहीं भी मत जाइएगा, कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। I don't think so. No, 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 no. It's never, ever.